हरे कृष्ण हरे बोल हरे बोल हरे बोल ज्ञान तुम्हारा दस्त ज्ञान अंतिम सलाह क्या चश्मों रुद्रितम जेतन दस्मय श्री गुरु नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे अभी हम लोग गुरु वैष्णव के आधिपत्य में जिस स्थान पर पहुंचे हैं ये स्थान का नाम ब्रह्मगिरी है, क्योंकि वृंदावन के सारे स्थान यहाँ पर जैसे गुप्त वृंदावन है हम उसी तरह यहाँ पर वृंदावन के सारे स्थान यहाँ विद्यमान। आते समय जो कुंड में हम लोगों ने आचमन किया है वो कुंड से राधा कुंड है, और ये ब्रह्मगिरी कहाँ पर है? वृंदावन में श्री ब्रह्माचल पर्वत जो बरसाना कहेंगे नहीं, तो जो बरसाना है बरसाना मतलब ब्रह्माचल पर्वत वो है, पर उसी तरह यहाँ पर भी ये अभिन्न बरसाना है, यहाँ पर भी ब्रह्मा जी की तपस्या करी है, इसलिए ये स्थान इसलिए प्रभुपाद ने ये मंदिर को प्रभुपाद स्थापन किया क्योंकि ये राधा रानी की ब्रह्मा जी जो बरसाना है वो राधा रानी की स्थान है, इसलिए प्रभुपाद ने यहाँ पर ये मंदिर को स्थापन की। एक समय प्रभुपाद अपना भक्तों के साथ में आ रहे थे, आते आते आप देख रहे हैं कि वृंदावन जिस लग रहा है चारे तरफ में कटहल का पेड़ आम का पेड़ ताल का पेड़ और नारियल का पेड़ कदम का पेड़ है चंपक फूल का पेड़ चार तरफ से देखो ये लग रहा है चार तरफ से ये वृंदावन चार तरफ से लग रहा है। इसमें प्रभुपाद आते समय उन्होंने एक बिंबा फल को देखा, बिंबा फल जानते हो जैसे कुंदरी होता है ना, कुंदरी को कुंदरी जैसे ऐसे वो एक तरह का फल है, कुंदरी जानते हैं अरे फल होता है तरह का, वो फल जब पक जाए उसका जो रंग है इतने सुंदर उसका रंग है बड़ा प्यारा रंग उसका, हठात प्रभुपाद ने वो फल तो देख लिया, देख कर उनको याद आ गया राधा रानी की चरण की जो सुंदर जो रंग है राधा जी की चरण की रंग उसको याद आया, तो प्रभुपाद ने जो मेन रोड को छोड़ गए थे ना वो अंतर से चले गए, अंतर में गए तो भक्त लोगों ने सोचा यही से होगा बाथरूम में गए होंगे जंगल में, अब तो लोग यहाँ चल गए, लेकिन देखा प्रभुपाद आ ही नहीं रहे, बोले अब तो प्रभुपाद की नहीं आए वहां पर जा रहे, देखा प्रभुपाद राधा रानी के स्मरण करते हुए राधा प्रभुपाद वहां पर बेहद समझ लिए और मुंह से प्रेम से झांक निकला प्रभुपाद, फिर उनको वहां से फिर प्रभुपाद उठा करके इसी मंदिर में प्रभुपाद ले आए, इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद की भजन कुटी यहाँ पर है, बाद में हम लोग दर्शन करेंगे, इसलिए ये था जो ठाकुर जी का नाम है आप लोग ने श्रवण किया था आलार नाथ, आलार के पिलार नहीं आश्चर्य का नाथ है, इसलिए रामानंद जी संप्रदाय में जो बड़े बड़े भक्त लोग होते हैं उनका आलकर कहते हैं, इसलिए उसी से धीरे धीरे अपभ्रंश होते 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 शब्द का अपभ्रंश होते होते वो हो गया आलार नाथ बोलने लगे ये, और ये जो ठाकुर जी की जनार्दन इनका सर में शंख चक्र लगा कर वहां पर बता रहे सब नारायण नारायण नहीं, नारायण का जो अलग अलग नाम शंख चक्र लगा कर उनका जो चिन्ह इसमें बताया कि ठाकुर जी का नाम जनार्दन, ठाकुर जी का नाम जनार्दन, ये ठाकुर जी
अपने श्रवण कर रहे थे, ऐसे ठाकुर जी जैसे खीर खाए, ठाकुर जी को भोग लगाया, एकदम गर्म गर्म खीर दिया उतार करके, ठाकुर जी हाथ लग पाए ना, ठाकुर जी का हाथ खोखला पड़ गया, जब मुंह में दिया देखा यहाँ पर खोखला पड़ गया, वो गर्म खीर गिरा छाती के ऊपर में भी, उस तीन जगह में जैसे इंसान में खोखला पड़ जाता है गर्म होने पर, उस तीन जगह में ठाकुर जी की खोखला पड़ा हुआ है, जला हुआ है तीन जगह में। हम कहते हैं ना विग्रह ये ठाकुर जी नहीं तो साक्षात है, इसलिए उसमें 32 तरह का अपराध में बताया, भगवान को आत्मबद्ध सेवा करनी चाहिए। मतलब है जैसे अगर कोई गर्मी चीज उतार करते हैं, अब खा सकते हो नहीं खा सकते हो, इसलिए जब ठाकुर जी को तो बहुत ज्यादा गर्म हो ना, एकदम गर्मी चीज मत किया तुम उतार ठंडा करेंगे, जैसे तुम जैसे खाते हो एकदम गर्म नहीं खा सकते हो, और अगर ठंडा का समय में तुम ठंडा चीज नहीं खा सकते हो, जिस तरह गर्म के साथ खाते हो उसी तरह ठाकुर जी को भी ठीक ऐसे ठाकुर जी को सेवा करनी चाहिए, जैसे ठाकुर जी को ठंडा कपड़ा पहना हो, और नियम बताए जैसे मार्केट में कोई सुंदर फल आया है, कोई बढ़िया मार्केट में कोई सुंदर फल आए, हम क्या करते हैं, अभी बढ़िया नया फल निकला चलो खाएं, नहीं पहले क्या करो नया फल आने पर भले कितने पैसा क्यों नहीं हो, पैसा जैसे क्या करो भले कम भी हो थोड़ी सी ला करके ठाकुर जी को भोग लगाओ, अगर ज्यादा पैसा है थोड़ी सी कम से कम एक फल ला कर ठाकुर जी को पहले भोग लगा दी चाहिए, नहीं तो उसमें एक अपराध लगता है। वित्त साध्य, वित्त साध्य मतलब है तुम्हारे पास तो पैसा है, अब देखा रिश्तेदार के लिए आप कितना करते हैं, अपने रिश्तेदार के लिए हम क्या क्या नहीं करते हैं, अपने आप को बेच देना चाहते हैं, उसी तरह ठाकुर जी के लिए भी हमें ऐसे करनी चाहिए, तो अपराध। इसलिए उन्होंने खीर खाए तो शरीर की उनका शरीर जल गया, ठाकुर जी का शरीर, और आप लोगों ने श्रवण किया जो ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, पत्नी को बोला मैं कुछ दिन जा रहा हूँ ठाकुर को भोग लगा दूँ, छोटा बच्चा था कोई बेटा जा ठाकुर को भोग लगा करके आ गया, तो गया छोटा बच्चा है वो सोचता जैसे आप बैठ गए खाना खाते ठाकुर जी भी खाते हैं, फिर ठाकुर जी पिताजी बाहर गए के लिए आप और खाना खा लो, लेकिन ठाकुर जी उधर नहीं रहे हैं, क्या नाराज हो रोज तो पिताजी के हाथ में खाना खाते पिताजी के हाथ में क्या खाते थे, क्या मेरे को मंत्र भत्र पता नहीं इसलिए खाना नहीं खा रहे हो, खा लो नहीं तो मैया मेरे को नाराज हो जाएंगे, पिता नाराज हो जाएंगे, ठाकुर जी खाना खा लेंगे, ठाकुर जी तभी खाना खाने के लिए राजी नहीं, तब वो रोने लगे ठाकुर जी आप खाना खाओ, सचमुच से उसका जो सरल स्वभाव है सरल स्वभाव से ठाकुर जी रीझ गए, रीझ करके आकर के बैठे और खाना खा लिया, खाली प्लेट लेकर बच्चा आया, मैया ने पूछा प्रसाद खा लिया, बोले ठाकुर जी खाना खा लिया, उन्हें सोचा छोटा बच्चा है ठाकुर ठाकुर को भोग लगा खाना खा लिया, छोटा बच्चा है मैया ने सोचा है दूसरे दिन भोग लगा, दूसरे दिन भी ठाकुर जी खाना खा लिया, बोले खाना खा है तो ठाकुर जी खा लिया ना, ठाकुर जी खाते ही मैया तो चक्कर में पड़ी, ये रोज प्लेट ले जाते साफ कर ले आता है, इतने में जब उसको पति आए ना पिताजी आए उन्हें सारी कथा सुनाई, बच्चे को बोले मुझे भैया क्या बात है, बोले ऐसे ऐसे ठाकुर के खाना खा ही नहीं रहे थे, मैंने रोने लग गया ठाकुर जी के पास में, ठाकुर जी आ करके खाना खा, देखो अगर हमारी सरल चित्त हो ना ठाकुर जी सब कुछ करते हैं, ठाकुर जी सब कुछ करते हैं, अभी प्रश्न है हम ठाकुर जी के सामने तो प्रसाद लगाते हैं लेकिन खाली प्लेट पूरा पूरा प्लेट ठाकुर तो खाते नहीं, हम पूरा पूरा प्लेट लेकर खाते हैं, फिर ये क्या है, हाँ कहते ये क्या चीज है, नहीं बोलते ऐसे नहीं, हम खाने पर दो तरह का चीजें, हम खाने पर खत्म हो जाता है लेकिन ठाकुर जी खाने पर खत्म नहीं होता है, क्योंकि जो भगवान है ओम पूर्णम अदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ठाकुर जी पूर्ण है, ठाकुर जी खाने से और हमारे खाने में
पार्थक है, ठाकुर तक खाते हैं लेकिन ठाकुर जी खाने पर खत्म नहीं होगा, बढ़ जाती है उतना प्रसाद में भी कम नहीं होता, प्रसाद बढ़ जाती है प्रसाद। सारी बात पिताजी सुनाए, इतने में बोले आज तो भूख लगा, और उसको पिताजी जा कर ठाकुर जी मुझे बैठ गए चुप कर। जब ठाकुर जी को भोग लगाया बोला आप खाओ, ठाकुर जी खाना नहीं खा रहे, बोले रोज का आप खाना खाते थे आज भी खाना नहीं खा रहे हो। ठाकुर जी को देखो जो पिताजी है ना पीछे बैठा हुआ, तो पिताजी चुप कर पीछे बैठा हुआ है, इसलिए तुम्हारी अंदर में सर्व स्वभाव को देख करके मैं तेरे हाथ का खाना खाया, लेकिन तेरे पिताजी हृदय में सर्व स्वभाव नहीं है। ठाकुर जी और बताओ क्या चाहते हो, हम तो तेरे बेटे की भक्ति में प्रसन्न हो, क्या चाहते हो, लेकिन उसका बुद्धि खराब है ना, बोले क्या चाहूंगा, अगर आप ऐसे सब खाना खा लोगे तो हम क्या खाना क्या खाएंगे, रोज रोज आप चेक कर लेते हो सबके सब खाना खा लेते हो अरे हम खाना क्या खाएंगे। ठाकुर जी को इतना क्रोध आया क्योंकि उपनिषद कहता है ईसा वास्या मिदम सर्वम जत किंचा जगत या जगत तेना तेतन पूजिता, नियम है ये विश्व ब्रह्मांड ठाकुर जी ने बनाया, इसलिए ठाकुर जी कृपा करके प्रसाद रूप में हमें जो दे देते हैं उसी को ग्रहण करनी चाहिए। ठाकुर जी प्रसाद रूप में जो चीज को देते हैं नियम यही है। ठाकुर जी बोले मैं खाने से कम लगा, लक्ष्मी उनकी चरण की दासी है, ठाकुर जितना खाएंगे उतना आएगा घटेगा नहीं, लेकिन उसी बुद्धि ऐसी बुद्धि है ना है, बोले मैं खाने से खाना खत्म हो जाएगा, तुम ये भर मांग रहे हो आप खाना खा लो तो क्या खाएंगे भूखे मर जाएंगे, बोले जा मैं अभिशाप देता हूँ तेरा वंश समेत खत्म हो जाएगा, सारे वंश इनकी समाप्त हो गई, इनका सारे वंश इनकी समाप्त हो गई। बाद में आप लोगों ने सुने फिर राजा ने दो परिवार को भेजा, एक पूजा परिवार एक रोस्तिया परिवार को भेजा, फिर ठाकुर जी की यहाँ सेवा में चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर जब जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा में जगन्नाथ जी जब 15 दिन तक दर्शन भी देते हैं महाप्रभु 15 दिन आंख लगते थे, यहाँ प्रश्न होता है महाप्रभु कौन है, बोले कृष्ण स्वयं राधा जी की भाव में विभाग तो होकर के राधा जी की अंतर्दृष्टि भाव लेकर के जगत में कृष्ण स्वयं महाप्रभु बन गए, उनका तो राधा रानी का प्रज भाव भी पूरा होता, ये ठाकुर का तो चार भाव है संत चक्र गदा पर तुम ये तो नारायण हो गए, पर उनका नारायण से क्या मतलब है, राधा जी के नारायण से क्या मतलब है, हैं इसलिए कहते तब यहाँ पर कहते हैं हम लोग ब्रज में एक स्थान है उसका नाम कैला, अब गए जब कृष्ण रासलीला कर रहे थे, रासलीला करते करते कृष्ण के साथ अंदर जान हो गए, गोपियां ढूंढ रही थी, इतने में कृष्ण गोपियों को साथ में उनको साथ में लीला करने के लिए उनको छकाने के लिए कृष्ण चार हाथ लेकर खड़े हो, इतने में गोपियां ढूंढते ढूंढते देखा नारायण, लेकिन उनको प्रति आकर्षण नहीं हुए, बोले हमारे श्याम सुंदर को नहीं देखे हो, हमारे कृष्ण को नहीं देखे हो, तो कृष्ण स्वयं तो चार हाथ लेकर बैठे हुए, वो कुछ बोले क्या चलिए प्रणाम करते हैं। जब से राधा रानी वहां पर आई ना, राधा जी के प्रेम की इतने महत्व है, इतने महत्व राधा जी की, उनकी शरीर की जो सुगंध, राधा रानी की जो तैसी चितवन, राधा रानी की जो सुंदरता है जिसको प्रबोधन के सरस्वती कहते हैं, फुलबंसी करार निपतित स्खलितम शिखंडम भ्रष्ट चपीत वसनम ब्रजराज, मतलब होता है राधा जी की दर्शन करते ही हैं, राधा जी की एक कृपा प्राप्त से होते ही कृष्ण का हाथ से छूट जाती है, कृष्ण जब पिता पर कहीं नहीं ना तो पिता पर कब फिसल जाता पता नहीं चलता, सर से मोर मुकुट गिर जाता है, कृष्ण एकदम राधा जी के प्रेम में विवल हो जाते हैं, राधा जी की प्रेम की इतनी महिमा, और राधा जब वहां पर आते ही उनका जो दो हाथ था ना चार हाथ थी उनको दो हाथ अपने आप अंदर में प्रवेश कर गया, इसलिए वो स्थान का नाम हो गया बैठा,
इसलिए ये जो ठाकुर जी है महाप्रभु यहाँ पर आकर के ये ठाकुर जी को दर्शन कैसे हुए उनको ये होती बनाता था कि ये ठाकुर जी कौन है ये कृष्ण है दास से कृष्ण गोपियों को चढ़ा रहे हैं अंदर जा रहे और राधा के दर्शन करते हुए इनका द्वार अंदर में प्रवेश कर जाता है इसलिए महाप्रभु इनको दर्शन करते ही यहाँ आते ही तो उनका अंदर तो प्रेम है वो दो गुना प्रेम प्रकट होता था इसलिए महाप्रभु जो पत्थर देता है ना महाप्रभु पत्थर ऊपर में जब प्रेम से लेट थे राधा जी की प्रेम कभी उठते थे कभी उठते थे कभी सोते थे राधा रानी आप से कृष्ण का विरह में वो प्रेम से वो पत्थर एकदम पीछे करके उनका सर का चिन्ह उनका हाथ का चिन्ह पैर का चिन्ह सारा शरीर का चिन्ह महाप्रभु का पत्थर के ऊपर में सारे शरीर का चिन्ह पत्थर के ऊपर खड़ा हुआ इसलिए यहाँ पर चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत बहुत सारे बात उल्लेख आता है महाप्रभु कब कब यहाँ पर आए वहाँ पर बताए एक बार छोटा बेटा ये छोटा बेटा महाप्रभु की पत्र को शिक्षा दे रहे थे उन्होंने क्या शिक्षा दिया उन्होंने कभी भिक्षा लेने के लिए गए तो वहाँ पर किसी लड़की का प्रति इनकी भोग बुद्धि हो गया भिक्षा लेने के जब गए किसी लड़की को देख करके भोग बुद्धि हो गया भोग बुद्धि हो गया तो महाप्रभु ने उनको त्याग कर दिया बोले तुम साधु हो तुम भजन करने के लिए आए हो तुम्हारी ये साधु वैसे है और तुम भिक्षा की बहाना से गए और उनका प्रति तुमने भोग बुद्धि की महाप्रभु को चिरकाल के लिए त्याग दिया महाप्रभु को दर्शन नहीं किया फिर भक्तों लोगों ने प्रार्थना किया प्रभु इनके द्वारा माफ कर दो उसी समय में महाप्रभु बोले नहीं हम माफ नहीं कर सकते क्योंकि ये साधु त्यागी साधु है ये त्यागी साधु होकर के और लड़की का प्रति आसक्ति हो गया मैं इसको त्याग नहीं दे सकता हूँ और लास्ट में उन्होंने जाकर के आत्महत्या की आत्महत्या किया तो महापुरुष उनसे बड़े खुश हुए बोले अच्छा हुआ क्योंकि तुम त्यागी साधु होकर के तुम स्त्रियों के प्रति आसक्ति होकर के तुमने उनको प्रति आसक्ति हुए महापुरुष होकर खुश हुए तुम्हारी यही प्रायश्चित थी तुमको यही दंड मिलनी चाहिए लास्ट मृत्यु दंड महापुरुष ने दिया लेकिन वो महापुरुष का परिकर वो महापुरुष का भक्त है उनको तो ऐसे हो ही नहीं सकता लेकिन महापुरुष दुनिया को शिक्षा देने के लिए जो त्यागी साधु है त्यागी साधुओं का चरित्र कैसे होनी चाहिए महापुरुष ने इनको द्वारा शिक्षा दिया है इनको द्वारा उन्होंने जगत में शिक्षा प्रदान की ऐसे नहीं होनी चाहिए इसलिए जो कलियुग का विकास था बताया कलियुग युवा भी कहीं चाहिए पानम इसी तरह का नस्ली वस्तु स्त्री वहाँ पर स्त्री का नाम आया है तद अवैध रूप में किसी स्त्री का संग नहीं करनी चाहिए संसार करो शादी सुधा करके अपना पत्नी को साथ में घर गृहस्थ बनाओ बगैर शादी के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना नहीं भागवत में उनके लिए कठोर दंड बताया गया मरने का बाद उनके लिए कठोर दंड बताया गया जो ऐसे गंदा काम करते हैं इसलिए महाप्रभु ये जगतवासियों को महाप्रभु शिक्षा देने के लिए उनको उन्होंने मृत्यु दंड दिया एक दिन लेकिन हृदय से नित्या क्या उनको क्योंकि भविष्य में जो महाप्रभु का संप्रदाय आए ये चीज से सावधान रहे साधुओं को वो सावधान सिखाने के लिए दिया लेकिन शरीर छोड़ने का बाद वो बड़े सुंदर बला था बड़े सुंदर वो कीर्तन करते थे शरीर तो त्याग दिया लेकिन उसको बाद में भी बड़े सुंदर वो कीर्तन करते थे बड़े सुंदर कीर्तन करते थे और वो कीर्तन का आवाज आ रहा था बोले प्रभु जी देखो देखो छोटा हरिदास का गला का कितने सुंदर कीर्तन सुना रहे हैं कितना आवाज मरने का बाद भी आपको कीर्तन सुना महाप्रभु लेकिन वो लोग शिक्षा दिए एक बार भक्त लोगों ने प्रार्थना किया छोटा बेटा तुम त्याग दी भक्त लोगों ने प्रार्थना किया प्रभु आप इनको अपराध को माफ कर दो महाप्रभु नहीं मैं माफ नहीं कर सकता फिर तो मैं आलानाथ आ जाऊंगा आलानाथ आकर
बात सुनना नहीं पड़ेगा, फिर निश्चिंत होकर यहीं बैठ करके बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे महाप्रभु दर्शन यात्रा करते समय महाप्रभु यही आए ना, जब महाप्रभु नहीं जाते थे, जब महाप्रभु हाथ उठा करके पिताई गौर ब्रह्मानंद महाप्रभु जो दोनों हाथ उठा करके कीर्तन करते थे, महाप्रभु कितने सुंदर है जितना बहुमूर्ति चंद्र जी भजन उज्जवल महाप्रभु को देख करके पूरा गांव के गांव यहाँ पर चले थे, हजार हजार लोग यहाँ पर महाप्रभु को दर्शन करने के लिए आए। जब आए इतने में हमारे जो भक्त लोग थे ना नित्यानंद प्रभु के भक्त लोग, इतने हजार हजार लोग दर्शन करने के लिए आए, महाप्रभु ने यहाँ पर धर्म बदल दिया कि इतने लोग आएगा है, लेकिन चारों तरफ में लोग चारों तरफ में हमें महाप्रभु का दर्शन कराओ, चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कराओ, इतने में फिर बाद में उनका घर खुले महाप्रभु को सबके सब दर्शन, उन्होंने महाप्रभु को दर्शन किया सबके सब। अरे महाप्रभु जब फिर दक्षिण से वापस आते थे, फिर महाप्रभु ने आते थे आकर के फिर ये आलार नाथ को महाप्रभु दर्शन करते थे, इनको दर्शन ब्रज की भावना है, क्योंकि राधा बाबा को विवाह हुए थे ना, इनके ब्रज की स्मृति इनको देखकर तो ब्रज की स्मरण आता था, इसलिए महाप्रभु यहाँ पर जाते आते आते जाते समय बारंबार महाप्रभु यहाँ करके इनको दर्शन करते थे। ये फूल है सुंदर मेरा गदराज गदर, इस फूल का नाम गदराज फूल, गदराज मतलब जानते हो जितने गंध मतलब सुगंध में राजा है, इसलिए फूल में बड़े खुशबू है फूल में, इसलिए महाप्रभु यहाँ पर बारंबार आए। महाप्रभु इसी वजह से श्री प्रभुपाद ने ये मंदिर को यहाँ पर उन्होंने प्रकाशित किया, ये मंदिर को बनाया यहाँ पर, और यहीं पर उन्होंने श्री गौड़ीय संप्रदाय के जो महाप्रभु और राधा गोपीनाथ जी का नाम रखा, गोपीनाथ कहाँ रहते हैं वृंदावन चैत्र को वृंदावन वृंदावन, क्योंकि ये बरसाना अभिन्ना बरसाना के स्थान है, इसलिए हम प्रणाम करते हैं ठाकुर जी को। फिर यहाँ से हम चलेंगे श्री राय रामानंद प्रभु का जन्म स्थान जहाँ पर माध्यमिक देवी वहाँ पर श्री सिद्धिकायती हाँ इन लोगों का यहाँ जन्म स्थान है, ये जो स्थान है ना बहुत पवित्र स्थान है। अभी जिस गाँव में जाएंगे वैकुंठपुर, वैकुंठ मतलब होता है ये अभिन्न भगवत धाम है हाँ वैकुंठ, लेकिन वो वैकुंठपुर धीरे धीरे अपवंश होते होते उसका नाम हो गया बैंटपुर हो गया उसका नाम, लेकिन वो वैकुंठपुर क्योंकि भगवत धाम है, और वहाँ पर राधा गोपीनाथ है, राधा वहाँ पर जो माधवी देवी वहाँ की है उसको उनका स्थापित वो विग्रह से राधा गोपीनाथ है, इसलिए महाप्रभु का गण में 3.5 व्यक्तियों को महाप्रभु का विशेष गण माने गए, कितने 3.5 3.5 में यहाँ पर 2.5 यही पर उनका जो महाप्रभु का विशेष 3.5 उनका अंतर में से 3.5 व्यक्तियों को ली गई महाप्रभु का अंतर में, एक नंबर है श्री राय रामानंद, एक और है ये विशाखा से, दूसरा व्यक्ति है श्री कौन है वहाँ पर श्री ये और श्री माधवी देवी उनकी आधा मानी गई है, और उनकी एक भाई है जिसका नाम सिक्की मायती, मायती एक टाइटल का नाम है सिक्की मायती, इनको ये ऐसे आधे जैसे 2.5 तो यहीं पर जन्म हुई, 2.5 भक्त तो यहीं पर जन्म हुई,
और उसे स्वरूप का पदर एक हेती वो और कहीं जन्म लिए। इसलिए कि जो स्थान है अत्यंत अत्यंत पवित्र स्थान जहाँ पर ये महाप्रभु के साथ परिवार लोग कहीं पर जन्म हुए और यहीं पर वो लोग थे पांच भाई। राजा मंत्र पांच भाई थे, उनके पिताजी का नाम था भवानी। इसलिए महाप्रभु कहते थे तुम पांडु हो और उनके थे पांच बेटे थे, उनका पांच बेटे थे। तो ये पांच बेटे भी ये पंच पांडव है, ये पंचम पांचम नहीं, यही पर उन्होंने महाप्रभु का परिकर बन करके यही पर उन्होंने जन्म लिया। इसके बाद में हम वहां पर जाएंगे, रामलाख में जाएंगे, जहां पर नित्यानंद प्रभु श्रीमद महाप्रभु का दंड तोड़ दिया था, तीन खंड करके यहाँ पर जिस नदी में बहा दिया था। फिर उसके बाद में वहां पर जाएंगे। अभी हम लोग कुछ प्रसाद लाए, अभी हम लोग बैठ करके प्रसाद पा लेते हैं, जगन्नाथ महाप्रसाद से हमारी सब भक्तों के लिए जगन्नाथ का प्रसाद दे रहे हैं और सांस को भी जगन्नाथ का प्रसाद दे रहे हैं। लेकिन शाम का जो जगन्नाथ का प्रसाद है, शाम को हम लोग जाएंगे पूरी जो जो पूरी कूप है वहाँ पर कूप हुआ है, जो गंधा था महाप्रभु आके कृपा की तो वो तब वहाँ पर गंधा स्वयं प्रकट हो गई, गंधा प्रकट हो गई और वहाँ पानी से जगन्नाथ का अभिषेक होता है। वो वहाँ पर वो पूरी भूषण का कूप है, शाम को उसको दर्शन करके और एक चंदन सरोवर जो गरीब का समय में जगन्नाथ का विग्रह विग्रह बदन मोहन जाते हैं और 21 दिन तक जैसे कृष्ण यमुना में नौ का विहार करते थे वहां पर स्वयं कृष्ण जा करके 21 दिन में उनके 21 वेश होता है और वहां पर जाकर के नाव से भ्रमण करते हैं। शाम को उसको दर्शन करेंगे और वहां पर एक भक्त है, एक भक्त घर में जा करके फिर जगन्नाथ का प्रसाद वहां पर भी शाम को जगन्नाथ जगन्नाथ का प्रसाद। ठीक है, जगन्नाथ।